हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं रेडमी स्मार्ट बैंड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके बोला था कि रेडमी स्मार्ट बैंड और एमआई स्मार्ट बैंड 5 और एमआई स्मार्ट बैंड 6 की अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं रेडमी स्मार्ट बैंड की अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद आने वाले दिनों में एमआई स्मार्ट बैंड 5, एमआई स्मार्ट बैंड 6 की भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में ज़रूर से बनाकर डाल दूंगा चटपट टॉय टीवी पर। इस तरह के बॉक्स में मिला है मैं ये बैंड। बॉक्स जो है थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है। मैंने इसे 4 डेज पहले खरीदा था गाइस, 4 दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या आपको ये जो बैंड है खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो बैंड लॉन्च होकर भी 1 साल हो चुका है गाइस। तो प्राइस भी इसका जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है अभी फ्लिपकार्ट पर। इस तरह के बॉक्स पैकिंग में मिला है हमें ये स्मार्ट बैंड। बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इसके मेन फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि USB डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो आप इसे, हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है, वाटरप्रूफ अप टू 50 मीटर से, यानी कि आप इसे पहनकर स्विमिंग भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से मैं इसकी कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग यहाँ से। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलती है, एक स्मार्ट बैंड और एक यूज़र गाइड। ये रही इसकी यूज़र गाइड, फ़िलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। और ये रहा हमारा स्मार्ट बैंड, इसको निकाल लेते हैं गाइस यहाँ से। तो ये रहा हमारा चमचमाता हुआ नया स्मार्ट बैंड, तो इसको यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो इसकी जो डिस्प्ले है 2.74 सेंटीमीटर की डिस्प्ले है, पूरी तरीके से कलर डिस्प्ले है और पूरी तरीके से टच वाली डिस्प्ले दी गई है। तो भाई, सामने की ओर हमें कोई भी बटन वगैरह देखने को नहीं मिलता, ये पूरी तरीके से टच है। और ये है इसका बैंड। बैंड जो है थोड़ा सा हार्ड लगा मेरे को, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है गाइस, आपके हाथ में थोड़ा सा चुभ भी सकता है ये। और यहाँ पर इसका हार्ट रेट मॉनिटर दिया हुआ है और इसको चार्ज करने का तरीका इन लोगों ने कुछ अलग ही दिया हुआ है गाइस। यहाँ पर आपको एक चार्ज का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो जस्ट आपको जो है इसको इस तरह से खींच देना है। देख रहे हो गाइस, मैं इसको इतना हार्डली खींच रहा हूँ पर निकल नहीं रहा यार, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको इसको निकालने के लिए। तो ये फाइनली निकल चुका है, इसको किस तरह से चार्ज करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, इसको आप कोई भी पावर बैंक या फिर चार्जर में लगाकर चार्ज कर सकते हो। इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पर आपको लगा देना है और ये इस तरह से चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इसको निकाल देता हूँ मैं। तो इस बैंड को मैंने ऑन कर लिया है और मेरे मोबाइल के साथ पेयर भी कर दिया गया। सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने कर दिया है इस बैंड के अंदर। तो आपको ऊपर जो डिफ़ॉल्ट फेस वॉश देखने को मिलता है इस तरह का मिलता है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा टाइम दिखा रहा है। नीचे जो है फुट स्टेप्स दिखा रहा है और यहाँ पर कौन सा दिन है वो दिखा रहा है, यहाँ पर डेट दिखा रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर है, वर्कआउट है। वर्कआउट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर हमें आउटडोर रनिंग देखने को मिल रहा है, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है और फ्री स्टाइल है। इतने ढेर सारे हमें स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेदर दिखा रहा है। अगर आपका मोबाइल इसके साथ सिंक होगा तो गाइस यहाँ पर जो है वेदर आपके मोबाइल में जो है वो यहाँ पर आपका सिटी का दिखाई देगा। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस, नेक्स्ट है मोर, मोर के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर है DND, अलार्म, थीम्स है। थीम्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे वॉच फेसेस अगर आप इसके अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ऐप में जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो बैक चलते हैं। यहाँ पर है म्यूज़िक, के फ़ोन में जो म्यूज़िक चल रही है यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच भी दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर है टाइमर, टाइमर भी देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड माई फ़ोन और यहाँ पर सेटिंग्स दिए गए हैं। सेटिंग्स के अंदर हमें ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप जो है इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसकी फुल ब्राइटनेस लगा रखी है गाइस, देख सकते हो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ से आप इसे रिबूट कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। जहाँ तक बात करूँ मैं इसके डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, मेरे को इसका डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइस। और इसका जो टच है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कहीं पर भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। तो चलो भी इसके ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा इसका ऐप का इंटरफेस, ऐप का नाम है Xiaomi Wear।
तो यहाँ पर मेरा स्टेटस दिखाई दे रहा है, मैंने अभी तक कितने स्टेप्स चले यहाँ पे दिखा रहा है, कितनी कैलोरीज बर्न की है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, वर्कआउट हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, स्लीप डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पर कुछ ग्राफ है, ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर का डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो मैंने अभी तक कितनी देर स्टैंड पोजिशन में रहा हूँ वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर है वर्कआउट, वर्कआउट के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारा डेटा हमें देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स वर्कआउट से रिलेटेड, जैसे कि वॉकिंग है, आउटडोर साइकिलिंग है, और यहाँ पर आपका GPS का लोकेशन भी दिखा रहा है। प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो दिखाई देगा, जैसे कि आपने इस अकाउंट के साथ कितने बैंड्स को जो है कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर इसका बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, बैंड डिस्प्ले से यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि फेस वॉचेस वो भी देख लेते हैं। तो लोकल के अंदर यहाँ पे 3 दिखा रहा है, मैं अगर ऑनलाइन में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ढेर सारे फेस वॉचेस, देख सकते हो गाइस कितने ढेर सारे हैं। तो चलो मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अप्लाई होने में थोड़ा सा समय लगता है गाइस, तो भाई अभी देखते हैं हमारे बैंड के अंदर ये जो फेस वॉच है आया है कि नहीं। तो भाई देख रहे हो आ चुका है। तो भाई ये था इसका ऐप का इंटरफेस। तो अभी मैं आपको इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है वो भी दिखा देता हूँ गाइस। तो मेरे हाथ पे इसको बांध लेता हूँ, अभी चेक करते हैं इसका हार्ट रेट मॉनिटर, देखते हैं कितना एक्यूरेट तरीके से काम करता है। इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है गाइस, मेरे को ठीक ठाक ही लगा। तो देखते हैं कितना फास्ट तरीके से ये मेरा हार्ट रेट डिटेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पर अभी मेरा हार्ट रेट दिखा रहा है 72-73 BPM, अभी ये लाइव काउंट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर इसके अंदर एक वाइब्रेशन आया है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो हार्ट रेट दिखा रहा है 71 BPM। तो ठीक ठाक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से ये हार्ट रेट जो है काउंट कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इसमें जो स्टेप काउंटर दिया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसकी जो बैटरी है, अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज करते हो तो तकरीबन आपको 10 से 12 दिन तक देखने को मिल जाती है। तो फाइनली अभी मैं आपको बताऊंगा इस मेरे को ये जो बैंड है कैसा लगा, और आज के टाइम पर क्या आपको ये एक साल पुराना बैंड खरीदना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से गाइस आपको ये जो है एक साल पुराना स्मार्ट बैंड नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप कोई स्मार्ट बैंड खरीदना चाहते हो तो यार MI का स्मार्ट बैंड 5 खरीद सकते हो, वो भी एक साल पुराना है, पर उसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं, आप वो खरीद सकते हो। या फिर अभी जो है ना गाइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं 1500-1600-1700-1800 रुपीज़ के रेंज में, जैसे कि ये जो स्मार्ट वॉच है मैंने 1800 रुपीज़ में खरीदा था फ्लिपकार्ट पर, ये बोट की स्मार्ट वॉच है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वॉच को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वॉच को खरीद कर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। तो मेरे हिसाब से गाइस आज के टाइम पर आपको जो है ये स्मार्ट बैंड छोड़कर एक वॉच खरीदनी चाहिए, या फिर आप MI का स्मार्ट बैंड 5 भी कंसीडर कर सकते हो। उसका प्राइस जो है 2000 रुपीस में मिल रहा है आज के टाइम पर। तो आपको ये जो स्मार्ट बैंड है कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अगर आप इसे फिर भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो रेडमी स्मार्ट बैंड को खरीद भी सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।